हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में आपको एक नई ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने चेहरे के एक्सप्रेशन फेक कर पाएंगे, मतलब बिल्कुल ही चेंज कर पाएंगे। अगर आप गलती से कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं, मान लिया आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन बहुत डल है लाइक, तो आप अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को हंसा सकते हैं, और जैसे कि अगर मैं हंस रहा हूँ तो उसको नॉर्मल कर सकते हैं, और अपने चेहरे की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, अपनी आई बोल को बड़ा कर सकते हैं। मतलब ये कुछ फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जिनकी वजह से आप फेक एक्सप्रेशन लगा सकते हैं अपनी फोटोज पे, बस कुछ ही टूल्स की मदद से और कुछ ही स्टेप्स के अंदर। ये सारे काम हम करेंगे स्नैपशीट के अंदर, चलिए चलते हैं स्नैपशीट ऐप के अंदर। लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्नैपशीट ऐप के अंदर, और यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे मैं एक फोटो चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने अपनी फोटो सेलेक्ट कर ली है, और यहाँ एडिट करने से पहले मैं इसे थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ जिसकी मदद से आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ पाए कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर टूल्स के अंदर आपको जाना है हेड पोज, ये यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, जहाँ स्माइली है और एक यहाँ पर ही ऑप्शन वाला। यहाँ पर ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है पपिल साइज, दूसरा है स्माइल, और तीसरा है फोकल लेंथ। पपिल साइज से आपका आँख का साइज बड़ा और छोटा होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप गौर कर पाएंगे तो आप देख सकेंगे आप मेरी आँख का साइज बड़ा और छोटा हो रहा है। अब वहाँ दूसरे ऑप्शन पे, जहाँ पर मैं उतना स्माइल नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने फेस पे स्माइल ला सकता हूँ। यहाँ ज़्यादा करने पे वैसे फेक भी लग रही है, यहाँ पर मैं थोड़ी करके छोड़ सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपना मुंह उदास सा कर सकता हूँ, तो यहाँ थोड़ी सी करके छोड़ देता हूँ। और यहाँ लास्ट में है फोकल लेंथ, इसकी मदद से आप अपने चेहरे की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैं हल्की सी बड़ी कर देता हूँ। और यहाँ जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने चेहरे की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अप डाउन या लेफ्ट राइट, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि मेरा चेहरा आगे पीछे और ऊपर नीचे मूव हो रहा है। ये फीचर सबसे ज़्यादा ऑसम लगते हैं मुझे, क्योंकि आप यहाँ पर एक फेक स्माइल दे सकते हैं। जब भी आप स्माइल ना कर रहे हो, अगर आपकी फ़ोटो अच्छी आई है तो बिल्कुल ही नेचुरल लगेगी। हेड पोज का तो मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगता है ये, क्योंकि इसकी मदद से आप अपने चेहरे की डायरेक्शन लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर बाई चांस अगर आपकी फ़ोटो थोड़ी सी ख़राब आ जाती है, आप चाहते थे कि थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट हो जाती फ़ोटो, आप इस टूल की मदद से बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके इस फोटो यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ मेरी सेटिंग सेव हो चुकी हैं, और यहाँ पर मैं इस फोटो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ जेपेग, और यहाँ पर ही मेरी फोटो सेव हो चुकी है। तो दोस्तों इस टूल की मदद से आप अलग अलग अपनी फोटोज में करेक्शन कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, बस यहाँ पर डिपेंड करता है आप किस तरह से इस टूल का यूज़ कर रहे हैं। मुझे तो ये फीचर्स बहुत कूल लगते हैं, आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और मैं ऐसी नई नई ट्रिक्स की वीडियो लाता रहूंगा, बस बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।